अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनोवन एंड इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। मेरी आज की मेहमान है तस्नीम ज़ाहरा, जो कि फाउंडर हैं और सीईओ हैं आईक्यू टेल्स की और सीएसआर एवेन्यू की। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो क्या काम कर रही हैं और उनके काम में क्या ऐसी खास बात है कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो बताइएगा कि यू हैव टू स्टार्ट विद कि ये क्या है जो आईक्यू टेल्स है आपका, ये कैसे आइडिया आया और व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल 101 टीम का कि लाहौर में मुझे वेलकम किया, इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका भी और मिस जिशान राजा का भी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आईक्यू टेल्स की कहानी एक मदर की कहानी है। ये डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के इंस्टीट्यूट पे मबनी है और अवेयरनेस सेशंस प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट पे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये है कि मेरा डाउन सिंड्रोम बच्चा है मोहम्मद अहमद, जो कि डिफरेंटली एबल्ड डाउन सिंड्रोम है। तो जब वो पैदा हुए तो हमें नहीं पता था कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते कौन हैं, डाउन सिंड्रोम कौन होते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस्ड किया, हमें सेलेक्ट किया, तो जिसकी वजह से हम लोग सीखते गए। मैं एज अ मदर उसको जांचती रही कि मेरे इस बच्चे में जो है वो मुझे इसकी ट्रेनिंग में, क्योंकि बाकी बच्चों की ट्रेनिंग आप एक नॉर्मल माहौल में या वो एक वो आपको ज़रूरत नहीं होती है सीखने की समझने की, लेकिन कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं चीज़ें या लोग कि जिसकी वजह से फिर आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो मुझे पूरा, मैंने इसके लिए कोर्सेज किए IBA से, आगा खान से, जैसे जैसे मुझे पता चलता रहा। सबसे पहले हम लोग उस वक्त कॉन्शियस हुए कि जब इन्होंने नेक नहीं होल्ड की तो क्या बच्चे में क्या चेंजिंग है, क्या तब्दीली है, तो बस इसी से सफ़र शुरू हुआ। तो ये जब तकरीबन 1.5-2 साल के थे तो इनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई मेरे बेटे मोहम्मद अहमद की, और उस वक्त बहादुर माँ से बहुत बहादुरी का काम है। थैंक यू सो मच। बस मैं वही बात थी जो अल्लाह ताला सेलेक्ट करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। इससे पहले मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने मास्टर्स किया, शादी हुई और उसके बाद जो है वो मैंने मोंटेसरी डायरेक्टर्स कोर्स बनी, डायरेक्टर्स बनी, मोंटेसरी कोर्स किया। उसके बाद मैंने बीएड खुद ही, मुझे जैसे बच्चों में थोड़ा सा जैसे बिहेवियर इश्यूज होते थे तो एज अ मोंटेसरी डायरेक्टर्स जो है ना वो मैं क्लिक करता था कि बच्चे क्यों चेंज, तो मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया। लेकिन उसके 2 साल बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे डाउन सिंड्रोम बच्चा दिया। लेकिन ये कि उसके बाद जब मेरा ये सफ़र यहाँ से ज़्यादा आईक्यू टेल्स की जैसे बुनियाद रखी गई कि मैं एक फ़्लाइट पे अपने पेरेंट्स होम जा रही थी मुल्तान, तो वहाँ पर मुझे फ़्लाइट में एक मदर मिली तो वो बहुत रो रही थी, तो वो एकदम थोड़ा जैसे उनका जैसे हार्श बिहेवियर होता है ना थोड़ा वो, तो उन्होंने कहा कैसी आप मदर हैं, आप इस बच्चे के साथ कैसे इतना हंस खेल सकती हैं, आप तो बहुत खुश बैठी हैं। तुम्हें उनको देख रही थी, उनकी आंखों में टीयर्स, उतरा हुआ चेहरा, तो मैंने एकदम उनका हाथ पकड़ा, उन्हें बोला कि वो बिल्कुल सीट में मेरे साथ थी, तो मैंने कहा आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप ये देखें ये मेरा बच्चा है तो मैं खुश हूँ, मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल ले के चल रही हूँ दुनिया में ज़िंदगी में, क्योंकि ये मैं इसको जितना नॉर्मल बिहेव इसके साथ करूँगी, जितना इसको सोसाइटी में मूव करूँगी, ये इंडिपेंडेंट होगा, वरना अदरवाइज ये डिपेंडेंट रहेंगे पूरी ज़िंदगी डिपेंड करते हैं। आपकी अपनी सोच इतनी खूबसूरत और इतनी डिफरेंट सोच थी कि आपने इस चीज़ को एम्ब्रेस किया और उस पर काम शुरू कर दिया रादर देन कि दुख करने का सोचने कि मेरे साथ क्या हो। बस वो उन खातून के साथ जो ट्रेजडी हुई कि वो कनाडा जैसे मुल्क में रहते हुए जहाँ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जहाँ की सोसाइटी भी इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है, इनका मेंटल, इनके हेल्थ इशू, हर चीज़, लेकिन इसके बावजूद भी उनके हस्बैंड ने कॉपरेट नहीं किया, उनको सजा दी, उनको डिवोर्स कर दिया कि तुम इस बच्चे की वो हो जिम्मेदार। यकीन करें वो दिन था, अभी भी ऐसे रॉन्ग पे खड़े हो रहते हैं, वो मेरी लाइफ था, मुझे ये था कि मैं सिर्फ अपना पेन व्हाट आई मीन दैट लेडी हैज गॉन थ्रू, और ऑब्वियसली आपने वो कहानी सुनी उसका आप पे क्या असर हुआ होगा? बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैं लाइव उनके आंसू देख रही थी और फिर मैंने उस वक्त से उनका हाथ पकड़ के प्रॉमिस किया था कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, हम दोनों माएँ एक ही माँ हैं, हमारा सफ़र एक है। उनका ऑटिस्टिक चाइल्ड था तो वो उस वक्त मुझे वो भी नहीं पता था कि ऑटिस्टिक और डाउन सिंड्रोम में क्या फ़र्क होता है। तो बस ये आईक्यू टेल्स की बुनियाद हुई, ऑनलाइन हुई, मदर्स मिलती गई, पेरेंट्स मिलते गए, पहला टारगेट फादर्स थे, उनको अपने साथ मिलाया कि आप और हम एक हैं। ज़रूरी नहीं होता देखिए कि पांच उंगलियां बराबर हों, आप कभी नहीं सोच सकते कि आपका बच्चा बुढ़ापे का सहारा
नहीं अंदाजा होगा कितना इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की सिचुएशन में आपका हस्बैंड, बच्चे का बाप आपके साथ बिल्कुल साथ खड़ा हो इस चीज को हैंडल करने में, मैनेज करने में। बिल्कुल नहीं तो आप सोसाइटी में अकेले हो, मतलब आपके देखो उंगली उठाने में बहुत आसानी होती है, ब्लेम ऐसा, जबकि हमें नहीं पता, अल्लाह ताला के पास कोई शॉप नहीं है जहाँ आप खरीदने जाते हैं कि कुछ नॉर्मल हो गए, कुछ अल्लाह ताला ने गिस लगे, ज़रूर कोई मसलियत है, अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह माफ़ करने होते हैं, हमें थोड़ी आजमाइश ज़रूर है। और वैसे भी आप मैं ये कभी नहीं कह सकते हमारा फलां बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बहुत बड़ा अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान या बहुत बड़ा मतलब ऑफिसर बनेगा, ऐसा नहीं। आजमाइश साथ साथ होती है, दुनिया ही आजमाइश है, तो लेकिन ये आजमाइश थोड़ी ज़्यादा है, इसमें आपको थोड़ा नहीं बहुत सब्र करके और बहुत वो करना, तो वो मेरा मकसद बन गया। आज 11 साल हो रहे हैं माशाल्लाह, तो ये मेरे मैं बहुत स्पेशल थैंक्स करूंगी अपनी कराची की मैनेजमेंट टीम, फहीम भाई, आयशा इब्रार, इब्रार साहब, मारिया फहीम, इन्होंने मुझे जगह दी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कॉपरेट किया, फाइनेंशियल भी, मेरी जो थेरेपिस्ट हैं उनको मतलब पे दी, सैलरी दी, मेरे साथ मिलकर इस कारवां में चले। किसी भी ड्राइव को ज़्यादा देखिए, मेरा ये पैशन है या किसी का भी ये अगर पेन है, पर्सनल है, तो वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो इतने मुश्किल कोर्सेज करके आए हैं, थेरेपी करना आज के दौर में आसान नहीं है, ये कोर्सेज करना, वो जाहिर है कुछ ना कुछ कमाना भी चाहते हैं। कोर्सेज कर रही थी, पढ़ रही थी, इसके बारे में डेप्थ जान रही थी, तो फिर मैनेज कैसे हो रहे थे मोहम्मद अहमद? मोहम्मद अहमद का मैनेजमेंट ये था कि मतलब उनकी ये था कि मेरे साथ जो है वो अल्लाह ताला लोग मिलाते जाते हैं, मेरी कुछ सपोर्टिंग स्टाफ जैसे मेड वगैरह वो भी बहुत अच्छी थी, उसके अलावा मेरी मदर ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मेरे हर कोर्स में वो बाकायदा मुल्तान से कराची आती थी, वो उसमें मतलब उनको संभालती थी, फिर मैं आती थी, और मेरे लिए ये बेनिफिट था। और मैं उन मदर्स के लिए भी पैगाम दूंगी कि वो साथ साथ बेशक यूट्यूब से सीखें, आजकल तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, लेकिन हमारे पास एक प्रैक्टिकल एक मौजूद है जिसको हम समझ के एक सोच उजागर हुई जो आपके अंदर कि मैंने सीखना है और मैंने इसका मुकाबला करना है और मैंने इसको खेल करना बल्कि इसको एमिकेबली सेट करना टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ये सोच हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी शर्मिंदगी नहीं है। मुस्कुरा के इंतहाई आप यू आर वेरी प्राउड मॉम एंड यू आर टेलिंग एवरीथिंग, आई मीन दैट बिकॉज़ यू हैव मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। मैं जहाँ आप मतलब बहुत हाइपर होते हो ना, आप वहाँ काम डाउन होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रैक्टिस मोहम्मद अहमद ने यही करवाई कि वो ना थोड़ा सा आपके माथे पे बल आता है या आप थोड़े सीरियस भी देखेंगे ना, वो समझ जाते हैं। ये एंजल्स इतने ज़्यादा कॉपी कैट और शार्प होते हैं, हम कहते हैं ये स्लो लर्नर हैं, ये तो स्पेशल हैं, ये तो पीछे हैं, मैं कहती हूँ ये इतने शार्प सेंसेस होते हैं, इनके हर चीज़ समझते हैं, ये फौरन अगर हम ऊंची आवाज़ में ऊंचे टोन में बोल रहे हैं ना, वो समझ जाते हैं, और अगर वही बात हम मुस्कुरा के रहे वो भी समझ जाते हैं कि नहीं माहौल ठीक है, साजगार है, अदरवाइज उनको पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ है और वो छुपना शुरू हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस, वो एतमाद, वो जो एक गुरु बने फिर रहे होते हैं, लीडर हो रहे होते हैं, वो नहीं होता। और हमें उनको हम लोगों ने लेके चलना, आप मैं दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको जब सर्वाइव करना तो अपने सिबलिंग्स पे बोझ ना बने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप एज अ मदर, इम्पोर्टेंट बात यह कि वो अपने सिबलिंग्स पे बोझ मत नहीं, क्योंकि माओं को यही बिल्कुल खतरा होता है कि मैं तो हूँ, मैं तो देखूंगी, मेरी तो औलाद है, मैंने तो करना है, दिल तो अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया तो ऐसे। यू आर वेरी राइट कि आपने उसको इंडिपेंडेंट कर, बिल्कुल मेन स्ट्रीम में ला, बिल्कुल ऐसा ही है। इनका जो है री इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मतलब मैट्रिक भी कर जाए तो बड़ी बात है, लेकिन समझना चीज़ों को, सीख के करना। इनका सबसे बड़ा बात स्पीच इश्यूज बहुत होते हैं, तो वो भी जब वो अपनी बात, इवन कि अपना नाम भी अगर वो कई दफ़ा मोहम्मद अहमद कहेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा, अहमद करने में आपको टाइम लगेगा। तो वो एक वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस मोड पे लेकर आती हैं कि आपको उनको और ज़्यादा इस तरह करना है कि वो कहीं कोई मतलब उनका रास्ता ना भटक जाए। आप तो मदर हैं, आपको इस चीज़ की नॉलेज है, नो हाउ है, लेकिन जब सोसाइटी में ऐसे बच्चे नॉर्मली मूव करते हैं, लोगों को इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं होती या लोग इस चीज़ को समझ नहीं आती, तो वो समटाइम्स ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ये बच्चे हर्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए मैं यही बता रही हूँ कि जर्नलिस्ट भी हूँ तो मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, इंग्लिश उर्दू दोनों अखबारों में लिखा, अवेयरनेस देना शुरू की, जब क्योंकि मुझे इसकी अशद ज़रूरत अभी भी है। और सबसे बड़ी बात है अब ये चीज़ ना कमर्शलाइज हो गई,
है. लोग इसको ना पैसा कमाने की वो कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, पेरेंट्स की कमजोरी, फीलिंग्स से बहुत फायदा उठा रहे हैं. रिसोर्स टीचर लाएं और इतना फाइनेंशियल उनको डिप्रेस्ड कर देते हैं कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि चलो इस पे क्या करना है, लगा के ये इस पे क्या करना, बस बैठ ही जाए, ये तो बहुत मुश्किल है. उम्मीद बंधाने के, वो जो उम्मीद बन भी रही होती है उसको भी. तो 45 मिनट्स का एक सेशन दे के और हफ्ते में एक दफा या हफ्ते में दो दफा, तो ये बहुत चीजें वो, उसके लिए आपको जो है ना मुसलसल काउंसलिंग की जरूरत होती है. मैंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, उनके थ्रू कोशिश की कि जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनकी आवाज आम लोगों तक पहुंचे. क्योंकि देखिए जो हमारा सोशल मीडिया, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी है कि आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू आईक्यूटेल का जान के और उसको यूज कर सकते हैं, अल्लाह ना करे अगर वो किसी को भी इशू आए. जरूरत है बिल्कुल. उनको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे एरिया के करीब कौन सा कंसल्टेंट ऐसा बैठा है जिससे मैं अपने बच्चे के लिए फौरन मतलब सोल्यूशन ले सकती हूँ. जैसे बच्चे हाइपर कंट्रोल नहीं हो रहे होते, टॉयलेट ट्रेन नहीं हो रहे होते, तो मदर्स को नहीं समझ आ रही थी, समटाइम्स यूट्यूब चैनल्स भी देख के नहीं समझ आ रही. बिल्कुल ऐसे ही एक आम जो हमारे बच्चों की वैसे तरबियत एक बहुत मुझे लगता है मुश्किल काम है, बहुत फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उससे भी कहीं ज़्यादा है. लेकिन मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, द मोमेंट आई हैव मेट यू ऑन द डोर से लेके अभी तक, मैंने कॉन्स्टेंटली एक स्माइल और एक कंटेंटमेंट देखी आपके ऊपर, विच इज़ वेल अप्रिशिएटिंग. अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है. अच्छा, और मैं फिर यही कहती थी कि इस दौरान जो है ना, मैंने ये देखा कि जो पेरेंट्स फाइनेंशली नहीं आगे आते, स्पॉन्सर और जो फंडिंग डोनेशंस होती हैं बहुत सारे इदारों को मिल रही, लेकिन वो सही तरह पेरेंट्स तक नहीं पहुँच रहे. तो मैं फिर CSR की तरफ आई. अच्छा, CSR की तरफ आई कि जो कंपनीज से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है एज अ मदर, एज अ पर्सन. देखिए CSR करना एक बात है, आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेरी सबकी बनती. बिल्कुल ऐसे. तो इस पे जो है ना हमें बहुत वर्किंग करने वाली बात है, क्योंकि अगर हम लोग इंडिविजुअली कोई काम करते हैं ना, वो हमारा बहुत बेनिफिशियल होता है. बहुत जगह हम इंतज़ार करते हैं सरकारी इमदाद का, हम इंतज़ार करते हैं बड़े बड़े इदारों की मदद का, जबकि हम खुद भी कुछ ना कुछ तो अपने बिहाफ पे कर सकते हैं. अगर हर शहरी आपकी तरह सोचना शुरू करे तो ये मुल्क तो कहाँ से कहाँ पहुँचे. इंशाल्लाह पहुँचेगा, इंशाल्लाह. हमारी दुआएँ और अभी तक भी कुछ नेक अमाल हैं, कुछ नेक लोग हैं, तो पाकिस्तान माशाल्लाह आबाद है. तो ये मेरी IQ Tales और CSR एवेन्यू की कहानी है. और आपने जो IQ Tales का भी क्वेश्चन किया कि इन बच्चों के लिए बेनिफिशियल, तो ये पेरेंट्स को ना खुद दिलचस्पी लेना होगी. सबसे बड़ी बात है कि मदर्स को सोसाइटी की कि वो मुझे देख रहा है. मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो सवा दो साल का था, तो वो 2.5 साल के चले, क्योंकि डिले होते हैं बच्चे ना, बैठे देर से, सिटिंग देर से, चलना तो पता नहीं, तो उतनी कर्टन स्टेबल नहीं कर जी. बिल्कुल, जो आप सवा महीने में एक बच्चा वो कर लेते हैं, नेक होल्डिंग कर लेते, वो उन्होंने तकरीबन 2.5 महीने में की. इस तरह 3 महीने तक इस तरह का वो चला. तो मैं पोर्ट ग्रैंड गई हुई थी घूमने फिरने, तो इस तरीके चल रही थी. तो वहाँ पर एक कपल बैठा था, तो वो मुसलसल, उनको नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी, अवेयर नहीं थे. तो कोनी मार के अपने हस्बैंड को बार बार कह रही थी कि ये इस बच्चे के पीछे वो रोलिंग कर रहे हैं, तो वो पीछे पीछे जाती हैं और खुला छोड़ रखा है. मेरा शुरू से मकसद था कि अपने बच्चे को एतमाद दूँ, जो कर रहा है वो समझे, जिस चोट पे वो संभलेगा वो, मैं जितना उसको नाजुक बनाऊँगी या जितना वो करूँगी तो वो दुनिया को कैसे फेस करेगा. वो कह रहे थे मैं नहीं डरी, मेरे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत थी, लेकिन हमारी जो ख़वातीन है उनके लिए मैं स्पेशल कहूँगी, उन्हें हिम्मत की ज़रूरत. वो अपनी सास के ताने से पीछे हट जाती हैं, काम करना वर्किंग छोड़ देती हैं. वो समझती हैं कि उनका कोई ऐसा कसूर है, वो ऐसी कोई गुनाहगार है कि इन बच्चों को पीछे लेके उनके ऊपर उससे ज़्यादा शाउट करती. मैंने देखा है कि वो हाथ पकड़ के कहीं बैठे हैं, जैसे हम महफिल में बैठे हैं, कुछ बच्चा कर रहा है, तो आप छोड़ें, कोई बात नहीं. आप, मैं समझ रहे हैं कि उस बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा कुछ वो कर रहा है, कोई नीड हो सकती है उसके साथ, तो वो क्या करेंगे, उनका हाथ जोर से करेंगे, तो वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन आ जाएगा कि मुझे शायद रोका जाए. ये चीज़ है, वो फिर उनके ऊपर अच्छा काम होने की बजाय ना वो और पीछे होते हैं. तो हिम्मत हम सबको करनी होती है. जो प्रोफेशनल हैं वो तो वर्किंग कर रहे हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे, मेरा इंस्टीट्यूट भी 3 घंटे का, मंडे से थर्सडे, लेकिन आप ये देखिए बाकी के 21 घंटे, बाकी के 7 डेज, 3 डेज
तो मदर्स को करना। थैंक यू सो मच तस्नीम फॉर कमिंग टू आवर शो एंड शेयरिंग दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद अस। आई एम श्योर ये सबके लिए बहुत फायदेमंद है जो इन्फॉर्मेशन आपने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।